अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे डेटा एक्सपोर्ट क्या है और इसका क्या उपयोग है। टैली प्राइम से एक्सेल, पीडीएफ या अन्य किसी फॉर्मेट में डेटा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेटा एक्सपोर्ट करना किसे कहते हैं। जब भी हम टैली के डेटा को टैली सॉफ्टवेयर के बाहर, जैसे कि एक्सेल, पीडीएफ, जेपीईजी या अन्य किसी फॉर्मेट में बाहर भेजते हैं, तो इसे डेटा एक्सपोर्ट करना कहते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें टैली से डेटा एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हमें कस्टमर को लेजर रिपोर्ट या कोई बिल भेजना होता है, या फिर सीए को ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट भेजना होती है, या फिर हमें अपने किसी एम्प्लॉय को कोई रिपोर्ट देनी हो, जैसे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देनी हो या अन्य किसी को कोई रिपोर्ट भेजना हो, तो इन सभी रिपोर्ट्स या बिल को भेजने के दो तरीके हैं। पहला, हम इन्हें प्रिंट करके पोस्ट या कुरियर से भेजें, और दूसरा तरीका है कि हम इन रिपोर्ट्स या बिल्स को टैली से एक्सेल, पीडीएफ, जेपीईजी आदि फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लें और फिर उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें। तो चलिए टैली पर चलते हैं और देखते हैं कि टैली से डेटा कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। आप जिस भी रिपोर्ट या इनवॉइस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसे ओपन कर लें। मान लीजिए हमें अपने सीए को ट्रायल बैलेंस एक्सेल फॉर्मेट में भेजना है, तो पहले हम टैली में ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखें, आप किसी भी रिपोर्ट को जितनी डिटेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पहले रिपोर्ट को उतनी डिटेल में एक्सपांड कर लें। हमें ये रिपोर्ट डिटेल में चाहिए, उसके लिए इसे कॉन्फिगर करना होगा। अब हम जिन ग्रुप्स को डिटेल में देखना चाहते हैं, उनके ऊपर जाकर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करें। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए अल्टर के साथ ई की को प्रेस करें और अब करंट पर जाएं। ये देखिए, एक्सपोर्ट की विंडो आ गई है। हम वापस पीछे चलते हैं। यदि आप किसी रिपोर्ट पर हैं और सीधे एक्सपोर्ट विंडो पर जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करें। ये देखिए, इस बार हम सीधे एक्सपोर्ट स्क्रीन पर आ गए हैं। अब इसे एक्सपोर्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके लिए सी प्रेस करें। ये लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। इस कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट के सारे ऑप्शंस देखने के लिए शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब यहां आप अपनी जरूरत के अनुसार डाउन एरो से नीचे जाएं और जिन ऑप्शंस को यस या नो करना चाहते हैं, उन पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहां फाइल फॉर्मेट में XML फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, हम इस पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब आप यहां दिखाई दे रहे किसी भी फॉर्मेट में, जैसे एक्सेल, HTML, JPEG, PDF, XML आदि में से किसी को भी अपनी जरूरत अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सभी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का तरीका एक ही है। हम एक्सेल पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब हम फोल्डर पाथ पर आ गए हैं। यदि आप यहां दिखाई पड़ रही लोकेशन पर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है, और यदि आप किसी अन्य लोकेशन पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एंटर प्रेस करें। यहां से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाएं। अब यहां से आप अपनी जरूरत अनुसार लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डेस्कटॉप पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब फिर से एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारे द्वारा सिलेक्ट की गई लोकेशन यहां पर आ गई है। इसके बाद है फाइल नेम। यदि यह ठीक है तो आगे बढ़ें, और यदि आप इसे बदलना चाहते हैं, तो इस पर एंटर प्रेस करें। अब यहां फाइल नेम कैसे टाइप करना है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप डिलीट की से .xlsx के पहले तक डिलीट कर दें, फिर इस बचे हुए को कंट्रोल के साथ सी से कॉपी कर लें। अब आप जो भी फाइल नेम देना चाहते हैं वो यहां पर टाइप करें, फिर कंट्रोल के साथ V की से हमने जो एक्सटेंशन कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दें। ध्यान रखें, फाइल नेम के बाद एक्सटेंशन जरूर टाइप करें और आखिर में एंटर प्रेस कर दें। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट को फिर से चेक कर लें, कुछ और चेंज करना हो तो वो कर लें और इसके बाद इसे सेव कर लें।
अब इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करें या फिर ई प्रेस करें। ये देखिए कुछ ही सेकंड में डेटा एक्सपोर्ट होकर एक्सेल शीट पर आ गया है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और टैली को भी मिनिमाइज कर देते हैं और उस लोकेशन पर चलते हैं जहां पर हमने डेटा सेव किया है। ये देखिए हमने जो फाइल एक्सपोर्ट की थी वो यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम इसे ईमेल, पेन ड्राइव आदि के माध्यम से आसानी से अपने सीए, ऑडिटर या किसी को भी भेज सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी रिपोर्ट, बिल आदि को अपनी जरूरत अनुसार फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।